हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग का HSSC का जो सेट का पेपर होने वाला है अकाउंटेंट के लिए, जो बच्चे कॉमर्स से हैं तो उनके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ। जैसे कि आपने अभी तक जो भी प्रिपरेशन की है, एक बार उसको पूरा कंप्लीट रिविज़न आप लोग का हो जाए और जो भी पोर्शन आप लोग का वीक हो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। तो आज की वीडियो में आप लोग का उसी से रिलेटेड कॉमर्स का प्रैक्टिस सेट रहेगा। इसी के से रिलेटेड और भी सीरीज़ रहेगी और कई और आगे वीडियोज़ भी आएंगी। और आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आपको वीडियोस चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी करना। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेतृत्व की वह शैली जिसमें समूह के सदस्यों को अपना कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने की अनुमति प्रदान की जाती है कहलाती है। अ लीडरशिप स्टाइल इन विच ग्रुप मेंबर्स आर अलाउड टू कैरी आउट देयर वर्क फ्रीली इज कॉल्ड। क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि जो नेतृत्व की, यानी कि जो आपने मैनेजमेंट पढ़ा होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा लीडरशिप की थ्योरीज दे रखी थी, तो उसमें से ही क्वेश्चन है आपका कि जो फ्री होकर काम करने के, जो वर्कर्स हैं फ्री होकर के काम कर सकते हैं, तो वो कौन सी जो है शैली है? निर्बाध शैली, जनतंत्रीय शैली, निरंकुश शैली, पैतृक शैली यानी कि फ्री रेन स्टाइल, डेमोक्रेटिक स्टाइल, ऑटोक्रेटिक स्टाइल या फिर पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। तो वो हो जाएगा जहाँ पर फ्री होकर काम करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आवश्यकता हो, कोई नीड होती है तो फिर वो एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन उनको कोई रोक टोक नहीं होती, वो अपना काम आसानी से कर सकते हैं। वो शैली हो जाती है निर्बाध शैली यानी कि फ्री रेन स्टाइल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोपान श्रृंखला सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। स्किलर्स एंड प्रिंसिपल हैड बीन गिवन बाय FW टेलर, हेनरी फ्योल, एल्टन मायो, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका किससे लिया गया है? ये भी लिया गया है प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से। तो वहाँ पर पूछ रहा है कि स्केलर चेन, तो आपने पढ़ा होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा होगा, यानी कि जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत था किसने दिया था? FW टेलर ने दिया था। और जो आपके प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत थे जिसमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, 14 सूत्र सिद्धांत जिसे कहते हैं, किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने दिए थे। उसी सिद्धांत में से एक ये सिद्धांत है जो आपका सोपान श्रृंखला का, ये किसने दिया है? हेनरी फ्योल ने दिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके सारे सिद्धांत एक बार देख लीजिएगा, कोई सही पूछ सकता है। अक्सर आदेश की एकता का सिद्धांत जो है काफी पूछता है एग्जाम में, तो उसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का संबंध है, मोटिवेशन इज रिलेटेड टू। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मोटिवेशन होता है वो किससे रिलेट करता है? प्लानिंग से, कंट्रोलिंग से, लीडरशिप से, ऑर्गेनाइजिंग से। ऐसे तो ये सारे ही आपको पता होगा, मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, मैनेजमेंट के जो कार्य होते हैं, ये चारों ही आ जाएंगे उसमें से। तो यहाँ पर जो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन डायरेक्ट जिससे कनेक्ट होगा वो हो जाएगा लीडरशिप। जो लीडर होता है वो मोटिवेट करता है। जैसे कि आप क्लास में ही देखिए, क्लास में जैसे कोई टीम बनाई जाती है या गेम्स में अगर देखें कोई टीम बनाई जाती है, तो जो टीम का कैप्टन होता है, जो लीडर होता है, वही तो मोटिवेट करता है, पूरी टीम को एक करके रखता है आगे बढ़ने के लिए, जिससे कि वो अच्छा खेल सकें। अक्सर ये देखिए क्रिकेट में स्पेशली देख लीजिए, ये कभी कभी टीम हार रही होती है लेकिन जो कैप्टन होता है ना, वो कैप्टन पूरी टीम को जोड़ के रखता है और उसमें एक ज़्यादा मोटिवेशन देता है, जिससे कि वो हारा हुआ खेल भी कभी कभी जीत जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। द कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी कंप्यूटेड बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू एट्रीब्यूट्स, टू नंबर्स, टू अजम्पशंस। तो ये क्वेश्चन किससे लिया गया है? ये लिया गया आप लोगों का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है। तो यहाँ पर जो कार्ल पियर्सन का कोफिशियंट पूछा है, यानी कि जो हम निकालते हैं कोरिलेशन, तो किसके बीच में जो है निकालते हैं? तो आपको पता ही होगा जो कोरिलेशन निकाला जाता है वो दो वेरिएबल्स के बीच में निकाला जाता है, दो चरों के बीच में निकाला जाता है, प्लस से माइनस वन या फिर प्लस वन के बीच में ही आता है। तो यहाँ पे यानी कि निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अगर आपको और भी क्वेश्चंस अच्छे देखने हैं, उसमें न्यूमेरिकल भी इंक्लूड होंगे, तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर जो आई बटन में भी दे दूंगी, आप तो वो देख लीजिएगा। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस डिटेल में मैंने समझाए हुए हैं, तो आपकी बिजनेस स्टडीज की कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज। यहाँ पर क्वेश्चन किससे पूछा गया है आप लोगों का? बिजनेस इकोनॉमिक्स से है ये क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है कि जो मार्शल ने उपभोक्ता की बचत का जो सिद्धांत थ्योरी दी थी अपनी, तो उसका बेस क्या है, किस बेस पर उन्होंने थ्योरी दी थी, वो लॉ कौन सा है? ऑफ इक्विमार्जिनल
यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत है, कंज्यूमर सरप्लस है, वो किससे लिया गया है, किस सिद्धांत के बेस पर है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम, सीमांत अनुपातों का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, प्रगतिशील अनुपातों का नियम, वो हो जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से लिया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि जैसे जैसे हम अगली यूनिट को लेते जाते हैं, अगली इकाई का कंजम्पशन करते जाते हैं, उपभोग करते जाते हैं, वैसे जो उससे मिलने वाली जो हमें यूटिलिटी होती है, उपयोगिता या संतुष्टि होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, घटती चली जाती है। एक टाइम पर आता है कि वो माइनस हो जाती है, वो शून्य हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, वो माइनस में चली जाती है, यानी कि निगेटिव होने लगती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकस्मिक आय में सम्मिलित नहीं है, द टर्म कैजुअल इनकम डजंट इंक्लूड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम गैम्बलिंग, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, रिसीप्ट ऑफ मनी लाइंग ऑन रोड। तो यहाँ पर क्वेश्चन किससे लिया गया है? जो आकस्मिक आय है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किससे लिया गया? इनकम टैक्स से लिया गया है कि जो आकस्मिक आय होती है, कैजुअल इनकम होती है, उसमें क्या चीज़ें नहीं आती हैं। आपने पढ़ा होगा कि इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, कैपिटल गेन होता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है। तो ये किस में आता है? जो आकस्मिक आय होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो उसमें कौन सी चीज़ नहीं आती है? तो उसमें शामिल आपका नहीं होगा अंशों के विक्रय पर जो पूंजी लाभ होता है, वो इसमें शामिल नहीं होगा, वो आपका कैपिटल गेन में जाएगा। बाकी लॉटरी है, या फिर जो गैम्बलिंग से होगा, या फिर कोई राशि ऐसी है जो रोड पर पड़ी हुई मिलती है, या कोई बेनाम जो है आय होती है, वो सब किस में जाती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रक्रिया संबंधित होती है, द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग इज कंसर्न विद मेजरमेंट ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, असाइनिंग द टास्क, डिटरमिनेशन ऑफ गोल्स। क्वेश्चन कह रहा है जो कंट्रोलिंग होती है, नियंत्रण होता है, उसकी जो प्रोसेस होती है, वो किससे रिलेट करती है? कि वास्तविक निष्पादन के मापन से, मानकों के निर्धारण से, कार्यों के अभिहस्तांकन से, लक्ष्यों को निर्धारित करने से। वो तो किससे रिलेट करती है? वो हो जाएगी वास्तविक निष्पादन के मापन से। कंट्रोल का मतलब यही होता है, कंट्रोलिंग इसीलिए की जाती है कि जो भी स्टैंडर्ड हमने डिसाइड किए थे, उसी के अकॉर्डिंग ही काम हो सके। चाहे वो आप इसमें ले लीजिए कि कॉस्ट सही आए, या फिर जो है कोई अपव्यय ना हो, मटेरियल का मिसयूज ना हो, या फिर जो वेस्टेज ना हो, इन सब से रिलेटेड होता है। तो किसमें हो जाती है? कि जो एक्चुअल में निष्पादन हो रहा है, परफॉर्मेंस दी जा रही है, वो सही हो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार अंश का आशय है वे अंश जो, राइट ऑफ शेयर्स मीन्स दो शेयर्स विच आर। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो राइट शेयर्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में अधिकार अंशों के बारे में। तो यहाँ पर उससे पूछ रहा है कि वो कौन से शेयर्स होते हैं, इशूड टू डायरेक्टर्स, ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑफर टू एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स, इशूड टू क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि अधिकार अंश का क्या आशय है, या फिर ये अंश किस तरह के होते हैं, तो वो हो जाएंगे कि जो पहले से हमारे अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हीं को दिए जाते हैं। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इसीलिए इसको अधिकार अंश बोलते हैं, क्योंकि उनका राइट पहले होता है कि उन अंशों को वो ले, उन शेयर्स को वो ले। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे, अलग से प्लेलिस्ट है, उसको एक बार देख लीजिएगा, पूरा आप लोग का जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिफर्ड टू एज द डेवलप्ड इकोनॉमीज, कंट्रीज अर्निंग ह्यूज इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स, कंट्रीज हैविंग लार्ज पर कैपिटा इनकम, कंट्रीज एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी, कंट्रीज प्रोफिशिएंट इन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि विकसित अर्थव्यवस्था किसे माना जाएगा, जैसे आपको पता ही होगा कि तीन तरह की होती हैं, विकसित है, विकासशील है, और अविकसित होती हैं। तो यहाँ पर जो विकसित है, पूरी तरह से डेवलप्ड कंट्री है, वो कौन सी होगी? भारी औद्योगिक मुनाफा कमाने वाले देश, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी फैला हुआ है और काफ़ी उनको प्रॉफिट मिल रहा है, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, यानी कि जो उनके प्रति व्यक्ति आय है एक व्यक्ति की, वो बहुत ज़्यादा है, प्रौद्योगिकी में उन्नत है, जिनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा उनके पास है, व्यापार निर्यात में कुशल है, जिनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? जो जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, किसी देश की खुशहाली उसकी जो कितना अच्छा ढंग से है, या कितना विकसित है, या कितना ज़्यादा उसके लोगों का जीवन अच्छा है, इसको जो निकाला जाता है वो प्रति व्यक्ति आय से ही निकाला जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी,
सिंपल सी बात है, अगर वहाँ के लोगों की आय ज़्यादा होगी तो टेक्नोलॉजी अच्छी है, तभी तो लागतें कम आ रही हैं, इसीलिए जो आय ज़्यादा हो रही है हर तरह से देश डेवलप होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद आवर्त अनुपात है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो। तो यहाँ पर आपसे पूछा है जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है वो कौन सा है, तो ये आपका क्वेश्चन जो आता है वो मैनेजमेंट में भी पूछा जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी, दोनों में ही सिलेबस में आता है, ये बिजनेस फाइनेंस में भी इसको इंक्लूड किया जाता है इन्वेंट्री को। तो यहाँ पर ये अनुपात जो है वो किस तरह का होगा, तो आपने पढ़ा होगा रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में कि अनुपात जो होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, सॉल्वेंसी होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। तो ये जो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है ये कैसा हो जाएगा, ये एक्टिविटी रेशियो होता है कि जो कंपनी में हो रहे हैं एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे रिलेटेड होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर का भार निर्भर करता है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंसिडेंट्स ऑफ टैक्सेशन डिपेंड्स ऑन सिटीजनशिप, एज, रेसिडेंशियल स्टेटस, जेंडर। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो टैक्स लगाया जाता है वो किस बेसिस पे लगाया जाता है आयकर अधिनियम 1961 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सिटीजनशिप, दूसरा हो जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस। सिटीजनशिप हो जाती है नागरिकता, नागरिकता का मतलब ये होगा कि आप उस देश के नागरिक हैं और आपको वहाँ पर वोट देने का राइट होगा। और जो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस होता है यानी कि निवासी स्थिति होती है, तो वहाँ पर निवासी स्थिति आपको सिर्फ जो है वहाँ पर उस वर्ष में, यहाँ पर मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, उस वर्ष में आप वहाँ पर टैक्स पेयर हैं या नहीं है उससे रिलेटेड होती है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटीज बन रही हैं या नहीं बन रही हैं। तो उसके बेसिस पे निकाला जाता है, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे, ना कि सिटीजनशिप की। हो सकता है कि किसी प्रीवियस ईयर में आप उस वहाँ पर सिटीजन हों लेकिन वहाँ पर आपको टैक्स ना देना हो, आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही हो, लेकिन हो सकता है कि आप अगर जो है उस इंडिया में नहीं हों और उसके बाद भी आपकी यहाँ पर क्या बन रही है, टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। तो वो डिपेंड करता है जो आधार शर्तें और अतिरिक्त शर्तें होती हैं, बेसिस कंडीशन है और जो एडिशनल कंडीशंस है उनके बेसिस पे निकाला जाता है कि आप उस वर्ष में वहां पर एज ए टैक्स पेयर होंगे या नहीं होंगे। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है और आपको क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। क्वेश्चन है, डेटर्स रुपीज 40,000, बीआर यानी कि बिल्स रिसीवर्स कितने हैं रुपीज 20,000, क्रेडिट सेल रुपीज 2,50,000, सेल रिटर्न है 10,000 का, बिल्स पेएबल है 10,000 की। द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम जो रख देंगे और आप आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज डेटर्स एंड रिसीवेबल्स अपॉन नेट क्रेडिट सेल्स इंटू 365 यानी कि डेज आपको लिखने हैं। अगर क्वेश्चन में आपके मंथ दे रखे हों तो मंथ लिखिएगा, नहीं तो अगर डेज दे रखे हों तो डेज लिखिएगा। तो यहाँ पर पहले इन्फॉर्मेशन कंप्यूट कर देंगे तो हम निकालेंगे पहले एवरेज डेटर्स और रिसीवेबल्स। डेटर्स दे रखे हैं आपको के 40,000 के और जो बिल्स रिसीवेबल दे रखा है 20,000 का दे रखा है। यहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग बताया नहीं है इसलिए इन्हीं को ही आप एवरेज डेटर या एवरेज बिल्स रिसीवेबल मान लेंगे। ऐड कर लीजिएगा आ जाएगा 60,000 का। अब अपॉन में हमको नेट क्रेडिट सेल दिखानी है, तो यहाँ पर क्रेडिट सेल दे रखी है, साथ में सेल्स रिटर्न बताया हुआ है, क्रेडिट सेल में से हम सेल रिटर्न को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,50,000 माइनस 10,000 आ जाएगा 2,40,000 का। नेट क्रेडिट सेल में आ जाएगा 2,40,000 इंटू, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आंसर्स जो है वो मंथ में दे रखे हैं तो इंटू हम 12 करेंगे। तो यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मंथ आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे फार्मूला भी पूछ सकता है या फिर क्वेश्चन निकालने को भी कह सकता है, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक उत्पाद अथवा सेवा की मूल लागत की गणना करने की लागत रेखांकन विधि है, द कॉस्ट अकाउंटिंग मैथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इज, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। क्वेश्चन है पूछ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग से आपका क्वेश्चन है, ये किसी भी एक प्रोडक्ट है उसकी जो हम लागत निकाल रहे हैं तो उसका बेसिक जो मेथड होता है वो कौन सा होता है, तो उसके लिए यूज़ होता है यूनिट कॉस्टिंग। जब हम जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी जितनी यूनिट्स हैं वो सेम है, एक जैसी हैं, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं यूनिट कॉस्टिंग का। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल लाभ अनुपात की गणना की जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। तो यहाँ पर आपके दे रखे हैं कुछ फार्मूलाज, आपको बताना है कि करेक्ट फार्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का।
तो कर फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, आपको पता ही है। इसको निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 होता है। हम देख लेंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ पर दे रखा है। ये दे रखा है आप लोगों का ऑप्शन बी में, कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। साझेदारी के गठन के लिए साझेदारों के मध्य लिखित अनुबंध कहलाता है। द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ फर्म ए पार्टनरशिप इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप डीड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पार्टनरशिप होती है, क्योंकि जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं, वैसे तो कंपनीज एक्ट एक है 1956, अब जो कि संशोधन होने के बाद क्या 2013 चल रहा है, इसी तरह के आयकर अधिनियम है, साझेदारी अधिनियम है, तो अलग अलग जो है अधिनियम चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूछा, जो साझेदारी होती है तो उसको गठित होने करने के लिए कौन सा एक लिखित अनुबंध होना चाहिए, रिटर्न में एग्रीमेंट होना चाहिए, तो वो हो जाता है साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋण पत्रों के शोधन के पश्चात ऋण शोधन कोष खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। After redemption of debentures, the balance of sinking fund account is transferred to। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ऋणपत्र होते हैं, क्योंकि डिबेंचर्स हैं जब उनका रिडेम्पशन कर दिया जाता है, तो जो एक बनाया गया होता है इसी के लिए फंड, रिडेम्पशन करने के लिए जो सिंकिंग फंड बनाया जाता है उसका जो बैलेंस बचता है उसको कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसमें प्रॉफिचर अकाउंट का जो शेष बचेगा बैलेंस होगा उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं और इसको कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसके जो शेष होता है उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट में, और जो फॉरफीचर का होता है शेष उसे ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल रिजर्व में, ध्यान रखिएगा। तो कई ट्रांसफर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ह्रास लेखांकन के लिए किस लेखांकन माप का प्रयोग किया जाता है। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज यूज फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग, AS2, AS5, AS6, AS13। तो क्वेश्चन है पूछ रहा है, इसको भी देख लीजिएगा, अक्सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आता है, कभी कभी मैचिंग करने को भी दे सकता है, तो स्टार्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट है उनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो डिप्रिसिएशन होता है वो किस में जाएगा, वो जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों की वसूली खाते में हस्तांतरित किया जाता है उनके डैश के आधार पर। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म द एसेट्स ऑफ फर्म आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, एग्रीड वैल्यू अमंग पार्टनर्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पर पार्टनरशिप रिलेटेड क्वेश्चन है, जब पार्टनरशिप का क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन होता है यानी कि विघटन हो जाता है, तो वहाँ पर जो एसेट्स होती हैं उनसे जो वसूली की जाती है तो उसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, उसको जो ट्रांसफर किया जाता है किस वैल्यू पर किया जाता है, तो उसे किया जाता है बुक वैल्यू पर, जो भी पुस्तकों में बुक में उसके जो प्राइस होता है, मूल्य होता है, उस पर किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सहसंबंध गुणांक एक निर्धारण गुणांक के बीच संबंध को निम्नांकित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। द रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट, बोथ आर इक्वल, बोथ आर अनरिलेटेड। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सहसंबंध गुणांक है और जो निर्धारक गुणांक होता है तो उसके बीच जो संबंध होता है उसको कैसे व्यक्त किया जाता है। निर्धारक गुणांक सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है, निर्धारक गुणांक सहसंबंध गुणांक का वर्गमूल होता है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों असंबंधित होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो निर्धारण गुणांक से मतलब जो प्रतिगमन गुणांक होता है, आपने रिग्रेशन पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कैसे व्यक्त किया जाता है, तो यहाँ पर जो निर्धारण गुणांक होता है वो सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जितना ऊंचा अनुपात होता है उतना ही यह पक्ष में होता है, ये कथन लागू नहीं होता है। हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज, दिस स्टेटमेंट डजंट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू। यानी कि जो स्टेटमेंट एक दिया गया है वो नीचे जो रेशियोज दे रखे इसमें से किस पर लागू नहीं होगा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहाँ पर जितना यानी कि ऊंचा अनुपात होता है उतना ही अच्छा होगा, उतना ही फेवरेबल होगा, तो कौन सा ऐसा है जो ऊंचा होगा तो वो अच्छा नहीं होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है वो जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा हमारे लिए, फेवरेबल नहीं होगा, नुकसानदायक होगा, हार्मफुल होगा कंपनी के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
वह लागत जो प्रति इकाई स्थिर रहती है किंतु उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाती है कहलाती है। अ कॉस्ट दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट पर यूनिट बट अ चेंज विद द वॉल्यूम्स ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अब्सॉर्प्शन कॉस्ट। यहाँ से समझिएगा, यहाँ पर आपका जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों के बीच में डिफरेंस को, यहाँ पर जो आप उत्पादन कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन जो हो रहा होता है, तो जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो पर यूनिट क्या रहेगी, सेम रहती है, उसमें चेंजेस नहीं होते। वो क्या होगा, जो ओवरऑल होती है तो उत्पादन घटने या बढ़ने के साथ घट बढ़ जाती है, और लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो उसका अमाउंट सेम रहता है। जैसे कि आपने कोई कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, रेंट पर ली है, तो आपका 10,000 अगर आपने रेंट दिया तो वो 10 ही हज़ार रहेगा, भले ही आप वहाँ पर 5,000 यूनिट्स बनाएं या फिर 10,000 यूनिट बनाएं, लेकिन वहाँ पर जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, अभी जो 10,000 का मैंने उदाहरण दिया, आपको एग्जांपल दिया कि 10,000 यूनिट जो हम 10,000 जो हमारा रेंट है 10,000 रहेगा, लेकिन अगर हम 5,000 का प्रोडक्शन करेंगे तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, 10,000/5,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यानी कि 2 रुपये पर यूनिट आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसी जगह पर 10,000 इकाइयों का उत्पादन करेंगे, 10,000 यूनिट्स को बनाने लगेंगे, तब क्या हो जाएगा, हमारा 1 आएगा, 10,000/10,000 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्या होगा, पर यूनिट क्या हो जाती है, जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगी, वो कॉन्स्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। क्वेश्चन में आप जो पूछ रहा है आपका कि जो प्रति इकाई स्थिर रहती है किंतु उत्पादन की मात्रा परिवर्तन साथ परिवर्तित हो जाती है, तो वो हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ भी गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस, अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि जो प्रति इकाई पर यूनिट होती है वो स्थिर रहती है, वो हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, और जो प्रति इकाई पर यूनिट क्या होगी, चेंज हो सकती है, जो उत्पादन हो रहा है उसमें चेंजेस के साथ ही, वो हो जाती है फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध ऋण जिन्हें बट्टे खाते में डाल दिया गया हो बाद में यदि प्राप्त हो जाए तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। द बैड डेब्ट्स दैट हैव बीन रिटर्न ऑफ इट रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो अशुद्ध ऋण होता है, बैड डेब्ट होता है, जब भी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत परेशान करता है ये कि कहाँ पर इसको किस तरह से ट्रीट करना है, कैसे दिखाना है। तो यहाँ पर जब जो है पहले हमने क्या था, उसको डिस्काउंट उसमें डाल दिया था हमने कि रिटर्न ऑफ नहीं होगा, लेकिन बाद में वो क्या हुआ, वो हमको प्राप्त हो गया, रिकवर हो गया, तो अब उसको हम कहाँ क्रेडिट करेंगे, तो उसे क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोषपूर्ण माल की वापसी भी डैश का एक भाग है। रिटर्न्स ऑफ गुड्स इन केस ऑफ डिफेक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डैश। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपने जो सेल किए थे लेकिन अब वो अच्छे नहीं हैं, उसमें कुछ ख़राबी है, तो रिटर्न हो गए हैं, तो किसका एक पार्ट होता है, वो हो जाएगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही पार्ट होगा, कि जो भी दोषपूर्ण माल होता है वो रिटर्न होकर आ रहा है, तो वो उसी का ही एक हिस्सा होगा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन सेवाओं को डैश भी कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज आल्सो कॉल्ड एज डैश। फाइनेंशियल, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, नन ऑफ दीज। तो जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती हैं उसको और क्या कहते हैं, वो लॉजिस्टिक कहलाती हैं, संभरण लागतें भी कहलाती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCM जैसे सेवा उद्योग के लिए डैश के साथ संबंध होना महत्वपूर्ण है। फॉर सर्विसेज इंडस्ट्री लाइक SCM बॉन्डिंग विद डैश इज इम्पॉर्टेंट। मैन्युफैक्चरर्स, कस्टमर्स, लैंड ओनर्स, सेलर्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इस तरह का जो सर्विसेज दे रही है, दी जाती हैं, तो वहाँ पर हमारा किसके साथ जो है कनेक्शन होना इम्पॉर्टेंट होता है, किसके साथ बॉन्डिंग होना इम्पॉर्टेंट होती है, तो वो हो जाएगा कस्टमर्स, कि जो ग्राहक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि ये पता चले कि उनका क्या टेस्ट है, क्या रुचियाँ हैं, क्या उनको चाहिए है, किस तरह का वो इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं, उस सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन हमको यहीं से मिलती है। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के मापन का आधार है द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, कि जो सिद्धांत हैं जिसके बेसिस पे जो अकाउंटिंग है वो काम करती है, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आय के मापन का आधार होता है, यानी कि जहाँ पर हम ये चीज़ देखते हैं कि आय का मापन है, तो वो कौन से उसमें आएगा, कौन से सिद्धांत में आएगा, तो वो आ जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट में, मिलान अवधारणा में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए।
और जो लेखांकन अवधि अवधारणा है कि एक जो है फाइनेंशियल ईयर को होता है कि एक अवधि होनी चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए जिसके लिए अकाउंटिंग की जा रही है। जो मुद्रा मापन अवधारणा है कि वही चीज़ें सिर्फ शामिल की जाती है जिसको कि हम मुद्रा में माप सके, इसको कि हम मनी में मेजर कर सके। और जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है लागतों की अवधारणा, यानी कि ऐसी लागतें जो कि उत्पादन करने या इन सारी चीज़ों में लागतें आती हैं, तो कम से कम जो है हमको अपव्यय करना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी द्वारा ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता। अ कंपनी कैन नॉट रिडीम इट्स डिबेंचर्स आउट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, आउट ऑफ एक्युमुलेटेड लॉसेस, बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फॉर मार्केट, बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इंटू शेयर्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक कंपनी होती है तो अपने ऋण पत्र जो होते हैं उनका शोधन जो किया जाता है, तो वहाँ पर कुछ कंडीशंस दे रखी हैं किन किन चीज़ों से नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर किस चीज़ से नहीं करेगी, लाभ से भी कर सकती है, आप मार्केट से अपने ओपन मार्केट में अपने डिबेंचर्स को आपस जो है परचेज भी कर सकती है और कन्वर्जन भी कर सकती है अंशों में। क्या किससे नहीं कर पाएगी, जो संचित हानियाँ होती हैं उन हानियों से नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील साधन की मात्रा बढ़ाने से यदि कुल उत्पादन बढ़ता है तो यह कहलाता है। इफ टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन वेरिएबल फैक्टर्स इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो परिवर्तनशील साधन की मात्रा, यानी कि किसी एक वेरिएबल की जो क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो कौन सा वहाँ पर नियम लागू होगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रतिफल के हमने तीन तरह के नियम पढ़े होंगे, एक वृद्धि नियम है, एक समता नियम होता है और एक ह्रास नियम होता है, तीन तरह के होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि बढ़ रहा है प्रोडक्शन, तो बढ़ जब रहा होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न हो जाएगा, उत्पत्ति वृद्धि नियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। वृद्धि नियम के बाद क्या होता है, धीरे धीरे समता नियम पर पहुंचते हैं, उसके बाद समता के बाद क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। यानी कि एक पहले जब आप जो है चेंज करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उत्पादन बढ़ता है, उसके बाद बढ़ने के बाद एक बार कॉन्स्टेंट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विनियोग की बिक्री के पश्चात शोधन कोष विनियोग खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है। आफ्टर सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर जो विनियोग की बिक्री करने के बाद जो भी ये क्वेश्चन भी आपका रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से लिया गया है, तो यहाँ पर जो शोधन कोष खाता है उसमें जो शेष बचेगा उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, उसे ट्रांसफर करते हैं हम सिंकिंग फंड अकाउंट में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी सामान्य माध्य से लिए गए विचलनों का योग होता है। द सम ऑफ डिविएशंस टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए सीरीज इज जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव, बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सामान्य माध्य एक लिया जाएगा, अर्थमेटिक मीन एक आपने निकाला किसी सीरीज का, और उससे आप क्या निकाल रहे हैं, विचलन निकाल रहे हैं, तो उसका जो टोटल आता है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान होगा, अगर आपने जो पढ़ा होगा एस डी निकालने में, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने में, जो आप जो है विचलन निकालते थे, डिविएशन निकालते थे, तो वहाँ पर जब आप एक्चुअल मीन से जब डायरेक्ट मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं और एक्चुअल मीन से निकालते हैं तो वहाँ पर वो जीरो आता है। उस पर टोटल करके देखिएगा जो डी एक्स होता है उसका टोटल जीरो आता है, माइनस और प्लस के दोनों साइड इक्वल ही आते हैं, क्योंकि वो एक्चुअल मीन होता है। अगर आप कल्पित माध्य यानी कि अज्यूम करके निकालिएगा तो वहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जीरो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप एक्चुअल मीन से निकालेंगे तो जीरो ही आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी, और आगे वीडियोस भी इसी तरह आपको चाहिए हैं तो मुझे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। इसकी और भी आपकी सीरीज आएगी एग्जाम तक आप लोगों के, जिससे कि आप लोगों का रिविजन अच्छे से हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।